ये रात के करीब 2 बज रहे हैं और पहलवानों के समर्थन में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी या मीडिया के कैमरे के साथ बातचीत कर रहे थे, अब पुलिस ने चार्ज कर दिया है। पुलिस सबको धक्का दे करके बस में बैठा के डिटेन कर रही है। अभी आप देखिए पुलिस की भारी संख्या में मौजूदगी है और भीड़ अब तितर बितर होना शुरू हो गई है। पुलिस ने लोगों को उठाना शुरू कर दिया है। पुलिस जो है अब इनको हिरासत में ले रही है। जो समझ में आ रहा है कि जंतर मंतर पे पहले जाने से रोका है। रात में जो खबर आई कि यहाँ पे थोड़ा सा विवाद हुआ है पहलवानों और पुलिस के बीच में, उसके बाद माहौल थोड़ा टेंस होता है, फिर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा शुरू हो जाती है होना शुरू हो जाती है। अब जो है उस भीड़ को भी पुलिस तितर बितर करने की कोशिश कर रही है। महिला पुलिस के जवान भी यहाँ पे हैं और अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टसल हो रहा है कि पुलिस बिठाने की कोशिश कर रही है और वो बैठने को तैयार नहीं है। तो पुलिस देखिए यहाँ पे मीडिया के कैमरे बहुत सारे आपको नज़र, और ये अब जो है पुलिस ने बिल्कुल जो है एक्शन मोड में। शांतिपूर्ण तरीके से बैठ कर जब बात कर ली है, ये सब यही करते रहेंगे। डिटेन कर रही है पुलिस लोगों को। रात के 2 बजे के करीब का समय है और यहाँ पे अब जो है जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसको पुलिस ने इस जगह को खाली कराना शुरू किया। जंतर मंतर पे पुलिस ऑलरेडी रोक दी है। नारेबाजी भी हो रही है पुलिस की तरफ से, पुलिस माफ़ कीजिएगा जो पहलवानों के समर्थन में लोग आए हुए हैं उनकी तरफ से, और पुलिस उनको रोक भी रही है। यहाँ पे आप देखिए झड़प हो रही है। शमशेर का प्यार है, अब भी बैठ जाओ। नहीं क्यों सब जो आराम से आप लोग कहाँ से आए? सोनीपत। इतनी रात में आ गए जी? कैसे पता चला, क्या हुआ, क्यों? सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। क्या पता? मीडिया पे लाइव देखा था। क्या पता चला? ये अब आप देखिए इधर देखिए जीत, इधर कैमरा दिखाओ ना अगर तो। आप पुलिस देखिए, पुलिस बस दूसरी बस भी ले आई है। ये एक पहलवान के समर्थन में आए हुए हैं, इतने वो भागने की कोशिश करें। आप सोचिए कि रातों रात ये खबर आग की तरफ फैल गई सोशल मीडिया के जरिए, और सोनीपत जो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है वहाँ से लोग चले आए। वहाँ से लोग जो है ये इनको पहलवानों के समर्थन में चले आए। अब यहाँ पे देखिए, और अभी देखिए मीडिया को भी ये जो है पुलिस वाले अब वैन से दूर कर रहे हैं कि आप वहाँ तक ना जाइए। लेकिन एक पूरा टोटल क्योस की स्थिति है, नारेबाजी हो रही है। ये रात के 2 बजे के करीब करीब का वक्त है। जो मीडिया कैमरे भी वहाँ वाइट जबरन पकड़ करके ये लोग ले जा रहे हैं। ये सिर्फ पूरा यहाँ पर क्योस की स्थिति हो गई है, और अभी जो उनको उठा लिया है पुलिस ने, गिरफ्तार कर डिटेन कर लिया। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम आए मोदी नगर से। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का, आज जंतर मंतर पे हमारे पहलवानों के साथ मारपीट की गई है। तो ये अभी जो आपको क्या पता चला? भाई पता ये लगा, हमारे पहलवान साथ में मारपीट की गई, उनके साथ में बदतमीजी कर गए, हमारी बहन बेटियों को जो है घसीटा गया। अभी देखिए डिटेन किया गया, कुछ लोग आए हुए थे। हाँ, कुछ लोग आए हुए, डिटेन किया गया। बहुत गलत है, देश में तानाशाही चल रही है, पूरी हिटलरशाही चल रही है। नेता भी आए हुए थे? हाँ, नेता भी आए हुए थे। कौन नेता आए हुए थे? हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी थे, उन्हें भी ले गए। दीपेंद्र हुड्डा आए हुए थे, कांग्रेस के सांसद हैं, और वो यहाँ पे समर्थन में रात में आ गए थे। हाँ बिल्कुल, रात को आ गए थे उन्होंने। बहुत बिल्कुल अच्छा। फिर आप लोग यहाँ कितने बजे? बताओ साहब कहाँ चलना, साहब कहाँ चलना, बताओ कहाँ चलना, बता दो। चल रहे सब कहाँ? एजड आदमी हूँ पहली बात तो, फौज से रिटायर, वहाँ तो चल रहा हूँ मैं आपके। तो मैं पूछ रहा हूँ ना कहाँ जाना है, पूछ रहा हूँ ना कहाँ जाना है, बताओ।
चलो वापस खड़े चलो। ये रिटायर्ड बता रहे हैं कि रिटायर्ड फौजी ऑफिसर है और ये देश में हिटलर शाही है। दिन में जो है डी यू पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे बहन बेटे साथ में बदतमीज गई, उनको घसीटा गया और आज रात को जंतर मंतर पे जो हमारी बहन बेटे थे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान उनके साथ मारपीट की गई है। ये हिटलर शाही है बहुत ज्यादा। आप कह रहे थे आप पूर्व फौजी हैं? हाँ पूर्व फौजी हूँ, जाट रेजिमेंट से हूँ, किसान यूनियन में है भी। कोई नहीं, आराम से कोई बात। हाँ चलो चलो जहाँ चले। ये बिल्कुल देखो मिलने के लिए आए, हमारे पहलवान साथ में मारपीट की गई है, उन्हीं के साथ में बदतमीजी की गई है और हमें मिलना है तो हमें मिलने दे जा रहा। और ये पुलिस के आप देख रहे हैं किस तरह गिरफ्तार कर लिया है। हम कहा देशद्रोही है, अपने आदमी से मिलने नहीं आया, हमारी बहन बेटियाँ धरने बैठी हैं तो पूरा अत्याचार हो रहा है देश के अंदर। नहीं तो आप लोगों को कैसे पता चला इसकी क्या हुआ? पूरा सोशल मीडिया फैल रहा, टीवी चैनलों पर चल रहा। आप लोग आप मोदी नगर तो यहाँ काफी दूर है। काफी दूर है मोदी नगर भैया, चलने को तैयार है, कहाँ बुलाओ बस को आप, हम बैठेंगे कहीं ले लो आप। इसमें क्या पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं और कोई मैन हैंडलिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे आराम से इनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आईपीएस ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं और इसलिए जो है ये आईपीएस सीनियर ऑफिसर हैं तो उस हिसाब से पोलाइटली लोगों से उनको अपील कर रहे हैं, ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं जा रहे हैं। और भी सीनियर ऑफिसर्स जो कई ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर हैं उनको भी यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं और बाकी पुलिस के कई सारे जवान हैं यहाँ पे। रात के वक्त का देखिए, अभी उधर जीत इधर आएंगे तो उधर महिला कुछ समर्थक आई हुई है, महिला पुलिस से उनकी बातचीत हो रही है। तो ये देखिए महिला आईपीएस ऑफिसर हैं, वो ले जाने की कोशिश कर रही हैं और हमें भी मना कर रहे हैं कि बात, चूँकि यहाँ पे महिला पुलिस की जवान है तो हम ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे। लेकिन आपको ये तस्वीर देखिए कि वहाँ पे कुछ दो महिला आई हुई हैं और वो भी जो है प्रोटेस्ट के समर्थन में थी। तो क्या कह रहे हैं, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि हम गलत कर रहे हैं तो आप बताइए। तो ये देखिए कि पुलिस वाले अभी देखिए वो पुलिस की जो गाड़ी है वो ले आए हैं और ये जो दो महिलाएं हैं इनको बस के जगह इस बजाय इस गाड़ी में बिठा करके ले जाया जा रहा है। और ये दूसरी बस भी आ गई कि रात में भीड़ ना लगने पाए और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना होने पाए, इस वजह से अभी देखिए ये जो बुज़ुर्ग मिले थे जो अपने आप को पूर्व फौजी बता रहे थे उनको भी जो है पुलिस अपनी इस गाड़ी में बिठा के ले जा रही है। अभी जो है पुलिस के ऑफिसर जो है स्थिति को नॉर्मल करने में लगे हुए हैं कि भीड़ इकट्ठा ना हो और भीड़ जो है क्योंकि शुरू में रोक दिया था और बैरिकेड जब लगा दिया उधर नहीं जाने दिया गया था तो उसके बाद बाहर ही सड़क पे प्रोटेस्ट होने लगा। नेता भी पहुंचे, दीपेंद्र हुड्डा आए, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज और कुछ और नेता भी आए। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन की स्थिति हुई, अभी पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगी हुई। लेकिन आरोप जो है वो दिल्ली पुलिस पर ही लग रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के एक जवानों ने बदसलूकी की और दिल्ली पुलिस के एक जवान पर एक जवान पर नशे की हालत में होने का आरोप लगा। अभी देखिए महिलाओं को ले जा रहे हैं, बदतमीजी करी है पूरी पुलिस वाले ने, उस दो कोड़ी के सिपाही ने जो ना जरूर आएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो ये स्थिति है और अभी ये रात के 2 बज रहे हैं, उस वक्त की ताज़ा सूरत हाल है। गलनटॉप इस घटना पे बना हुआ है और पल पल की अपडेट जो भी होगी वो आपको देते रहेंगे। कैमरे पर हमारे साथ करम है, मेरा नाम अभिनव, देखते रहे दी ललनटॉप।